आज मैं आपको रोज का लेसन 4 बताऊंगा, जिसका नाम है ए गोल्डन बाउल, एक सुनहरा कटोरा या एक सोने का कटोरा। और यह जो स्टोरी है जातक टेल्स, जातक कथाओं से ली गई है। तो स्टोरी पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी है, कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ जो भी चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं वैसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब लेसन पे आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी, एक बार की बात है सेरी के एक राज्य में, द बोधिसत्वा हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैंस, बोधिसत्वा जो कि बर्तन और कड़ाहियाँ बेचा करता था, खरीदा और बेचा करता था, वाजकार सेरीवान, सेरीवान कहा जाता था, इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैंस, ए ग्रेडी फेलो, एक दूसरे के साथ में, दूसरे विक्रेता के साथ में जो कि बर्तन और कड़ाहियों का ही विक्रेता था और लालची व्यक्ति था, एक ग्रेडी फेलो मतलब एक साथ रहने वाला लालची व्यक्ति, ही क्रॉस्ड द रिवर टेली वस्त्रा एंड इंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा, वह टेलीवस्त्रा नदी को पार किया और अंधपुरा शहर में प्रवेश किया। और यह अपने एक लालची साथी के साथ था, बोधिसत्वा या सेरीवान, और उसका साथी भी बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचता था। डिवाइडेड द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैंस ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट। अब जब वे लोग अंधपुरा में पहुंच गए तो उन लोगों ने गली को दोनों के बीच बांटा और उन लोगों ने यह निर्धारित किया कि वे अपने बर्तन और कड़ाहियों को अपने अपने क्षेत्रों में बेचेंगे। नाउ इन द सिटी दे आर लिव ए पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन रिच, इस शहर में एक गरीब परिवार भी था जो कभी धनी हुआ करता था। देयर वेयर ओनली टू पीपल इन द फैमिली नाउ, अब उस परिवार में केवल दो ही लोग थे, ए यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, एक छोटी सी लड़की और उसकी दादी माँ, हु वर्कड फॉर देयर लिविंग लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैंस इन देयर हाउस वाज ए गोल्डन बाउल, वे अपने जीविकापार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ काम करते थे, लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैंस इन देयर हाउस वाज ए गोल्डन बाउल, उनके घर में जो कुछ पुराने बर्तन पड़े हुए थे उसमें एक सोने का कटोरा भी था, विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज लुक्ड सो डर्टी दैट टू वीमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, काफ़ी लंबे समय से इसका प्रयोग नहीं हो रहा था, इस सुनहरे कटोरे का प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए यह इतना गंदा दिखता था कि ये दोनों औरतें नहीं जान पाई थीं कि यह कटोरा सोने का बना हुआ है। द ग्रेडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची विक्रेता उनके दरवाजे से गुजरा चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए के बदले बदल लो। When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, जब उस छोटी लड़की ने इस विक्रेता की आवाज़ को सुना तो अपनी दादी से कहा, Do let's buy a new plate, grandmother. There is a man who is selling pots. दादी माँ, क्या हमें एक नई तस्तरी खरीदनी चाहिए, वहाँ पे एक आदमी है जो बर्तनों को बेच रहा है। We are very poor child, हम लोग बहुत गरीब हैं बच्ची,
व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, हमारे पास क्या है उसको बदले में देने के लिए। द ओल्ड वुमन सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा, व्हाई देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, क्यों क्या यह गंदा कटोरा नहीं है जिसका हम कभी प्रयोग भी नहीं करते। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, हमें इस कटोरे के बदले एक तस्तरी बदल लेना चाहिए। द गर्ल सेड, उस छोटी लड़की ने कहा। बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल वेयर कीन टू गेट राइड ऑफ द बाउल, दोनों ही औरतें बूढ़ी औरत और वो छोटी लड़की उस कटोरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कीन मतलब होता है इच्छुक, गेट राइड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन एंड गिविंग हिम द बाउल, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने उस विक्रेता को बुलाया, घर में बुलाया और कटोरा देते हुए कहा, टेक दिस बाउल यंग मैन, नौजवान आदमी इस कटोरे को लो, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी इस पोत्री को इसके बदले में एक तस्तरी दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड, विक्रेता ने उस कटोरे को अपने हाथ में लिया और संदेह किया कि यह सोने का बना हुआ है। स्क्रैच्ड ए लाइन ऑन द बॉटम विथ ए नीडल, उसके बॉटम में उसके तली में एक सुई से खनोचा। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट, और ऐसा करके वह जाना कि उसे जो शंका हो रही थी वह सच थी, मतलब कटोरा सोने का है। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, ये जो कटोरा है वो शुद्ध सोने का है। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ही प्रिटेंडेड दैट इट वॉज यूजलेस एंड स्कॉर्फुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसने यह सोचा कि इस कटोरे को बिना कुछ दिए ही ले लेगा, इसलिए उसने बहाना बनाया और कहा कि यह तो बेकार है, यूजलेस है, और बहुत ही घृणापूर्वक कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। और इस उसका घृणापूर्वक कटोरे को फेंकने के पीछे कारण था कि वह चाहता था कटोरे को बिना कुछ दिए ले लेना। रोज फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और अपने स्थान से उठा और घर से बाहर चला गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, और जो छोटी लड़की थी विक्रेता की इस अशिष्टता से बहुत दुखी हुई। एंड द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैड बिकम सो एनवायर्ड, और वह बूढ़ी औरत समझ नहीं सकी कि आखिर वह इतना ज़्यादा नाराज क्यों हो गया। और व्हाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और वह इस तरह से इतना अपमानजनक तरीके से व्यवहार क्यों किया। द नेक्स्ट डे एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स, ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पॉट्स एंड पैन इन डिस्ट्रिक्ट इन विच देयर अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, अगले दिन जैसा उन दोनों के बीच सहमति बनी थी कि वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों को बदल लेंगे या उस क्षेत्र में जाके बेचेंगे अपने बर्तनों और कढ़ाइयों को जहाँ पे पहले दिन पहले व्यक्ति ने बेचा था, मतलब अपने अपने क्षेत्रों को बदल लेंगे। श्रीवान केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास्ट द सेम हाउस क्राइंग, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, श्रीवान ठीक उसी गली में आया और ठीक उसी घर के सामने से गुजरा चिल्लाते हुए, पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर टू गेट हर ए न्यू प्लेट, एक बार फिर उस छोटी बच्ची ने अपनी दादी से निवेदन किया कि एक नई तस्तरी ले लो। द ओल्ड वुमन सेड, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज to have the seller here yesterday, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि प्यारी बच्ची क्या तुम्हें याद नहीं है यह कितना निराशाजनक था, यह कितना निराशाजनक था कि to have seller here yesterday, कल जो विक्रेता था उसके साथ कितना निराशाजनक बात हुई थी। Don't you remember how he threw the bowl on the ground in disgust?
क्या तुम को याद नहीं है कि उसने कितनी घृणापूर्वक कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था? वी सेल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। और इस नए विक्रेता को भी बुलाकर हमें निराशा ही मिलेगी। दैट सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल। वह विक्रेता तो अशिष्ट था लेकिन यह सज्जन दिख रहा है। इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल। ऐसा लगता है कि यह ले लेगा कटोरे को। द गर्ल सेड, छोटी लड़की ने कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस द ओल्ड वुमन कॉल्ड सेरिवान इन। छोटी बच्ची या पोत्री की इच्छा को देखते हुए उस बूढ़ी औरत ने सेरिवान को घर में बुलाया, अंदर बुलाया। सो ही केम इन टू द हाउस एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड। और उसके बुलाने पर विक्रेता अंदर आया और उन लोगों ने कटोरे को उसके हाथ में रखा। He was surprised to see that it was made of gold. वह चकित रह गया यह जान के कि कटोरा सोने का है। Do you really want to exchange this, old mother? asked with hesitation. विक्रेता ने बहुत ही हैरानी के साथ पूछा कि बूढ़ी माँ, क्या तुम सचमुच इस कटोरे को बदलना चाहती हो? Encouraged by this, the young girl asked, will you exchange it for a plate? उसके पूछने के तरीके से थोड़ा उत्साहित होके उस छोटी बच्ची ने पूछा, क्या आप सचमुच इसके बदले में तस्तरी देंगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। बूढ़ी माँ, आपका जो कटोरा है शुद्ध सोने का बना हुआ है और इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी। मेरे पास इतनी अधिक धनराशि नहीं है। बोथ द वीमेन वेयर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस। दोनों औरतें यह सुनकर चकित रह गईं। माई सन ए सेलर हु केम यस्टरडे सेड बाउल वाज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन ग्राउंड। मेरे बेटे, कल एक विक्रेता आया था और उसने कहा कि यह जो कटोरा है बिल्कुल बेकार है और उसने इसको जमीन पे फेंक दिया। It must be your touch which has turned it into gold. यह निश्चित ही तुम्हारे छूने का कारण सोने में बदल गया है। तुमने इसको छुआ है इसलिए यह सोने में बदल गया। Take it, give us anything you please in exchange and go your way. इसको रखो और इसके बदले में तुम जो चाहो खुशी खुशी दे दो और फिर अपने रास्ते जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at that time. इस विक्रेता ने अपने सारे बर्तनों को उसे दे दिया और साथ ही साथ 500 चांदी के सिक्के भी दिए जो उसके पास उस समय थे। He kept only his scales, his bag and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river. उसने केवल अपने तराजू को और अपने झोले को और 8 चांदी के सिक्के को अपने पास रखा क्योंकि नदी पार करने के लिए नाविक को 8 सिक्के देने थे। टेकिंग द बाउल विथ हिम ही वेंट टू द रिवर साइड। कटोरे को साथ लेकर वह विक्रेता नदी की तरफ चल दिया। गॉट इन टू द बोट एंड गेव द 8 क्वाइन टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस। और उसके बाद नाव में सवार हो गया और 8 सिक्के उस नाविक को दे दिए जो उसे नदी के पार ले जाता। नो सूनर हैड ही लेफ्ट टू वीमेन देन द ग्रेडी सेलर केम टू देम अगेन एंड सेड इम्पेशेंसली। बहुत जल्द ही जैसे ही वो विक्रेता वहाँ से निकला तो उन दोनों औरतों के पास पहले वाला लालची विक्रेता आया, दोबारा आया और बड़ी ही अधीरता से कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, आई विल गिव यू समथिंग आर अदर फॉर इट। उस कटोरे को लाओ, मैं इसके बदले में तुमको कुछ दे दूंगा या फिर कुछ दे ही दूंगा। मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस द ओल्ड वुमन सेड। उसकी इस बहानेबाजी पर बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और कही, यू सेड द बाउल वाज वर्थ नथिंग। तुमने कहा था कि कटोरा मूल्यहीन है।
Today we had an honest seller here who declared the bowl was made of gold and gave us 500 silver coins and all his pots for it. आज हमारे यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था और जिसने घोषित किया, बताया कि कटोरा सोने का बना हुआ है और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के भी दिए और अपने सारे बर्तनों को भी दिया. Regretting his loss, the greedy seller cried. अपनी नुकसान से निराश होते हुए वह लालची विक्रेता चिल्लाया. He had cheated me of my profit I would have made. I have lost the bowl. उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे फायदे में मुझे धोखा दिया है, मैं उसे बनाऊंगा मतलब मैं इसे उसे निपटूंगा. आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया है. ही वॉज सो फुल ऑफ सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सो मैडेंड दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ. वह दुख से इतना भरा हुआ था, इतनी निराशा उसके अंदर भर गई थी कि वह पागल जैसा हो गया था और अपने ऊपर नियंत्रण खो चुका था. He beat his chest, threw away his money and goods. उसने अपनी छाती को पीटा और अपने पैसे और सामान को फेंक दिया. Tore his clothes from his body and shouted. अपने शरीर के वस्त्र को, कपड़े को भी उसने फाड़ डाला और चिल्लाया. I will have my revenge on the hateful man. मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला लूँगा. Why did he interfere with my plan? आखिरकार उसने मेरी योजना में दखलंदाजी क्यों की? द टू वीमेन वेयर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस. वे दोनों औरतें उसकी पागलपन को देख के चकित रह गईं. काफ़ी उनको अचंभा हुआ. बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, पर उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया. ही रश्ड आफ्टर सेरिवान टू द रिवर साइड. वो नदी की तरफ सेरिवान के पीछे भागा. Finding him already crossing the river, वहाँ पाया कि वह नदी को पहले ही पार कर चुका है. He shouted desperately for the boatman to turn back. उसने बिल्कुल ही असहाय होकर नाविक से कहा कि वापस आओ, चिल्लाते हुए कहा. श्रीवान told the boatman not to do so. श्रीवान ने नाविक से कहा कि ऐसा मत करो. Watching the boat helplessly, his heart full of jealousy and hatred, the sailor shouted insult at the fearless Sarivan who was Bodhisattva. Watching the boat helplessly, बिल्कुल ही असहाय होकर नाव को देखते हुए, his heart full with jealousy and hatred, उसका जो हृदय था घृणा और ईर्ष्या से भर गया था. द सेलर शाउटेड इंसल्ट एट द फियरलेसली सेरिवान. अब वह विक्रेता ने उस निर्भय सेरिवान पर अपमानित करने के लिए चिल्लाया. हु वाज द बोधिसत्वा, जो कि बोधिसत्वा था. हि थ्रेट्स वेयर ऑफ नो यूज एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट हिज हार्ट बर्स्ट एंड ही ड्रॉप्ड नाउ डेड. उसकी जो धमकी थी उसका कोई लाभ नहीं था और अति उत्तेजना के कारण उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था, फट गया और वह गिर गया और मर गया.